जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं दिल्ली के सबसे चीपेस्ट मार्केट में, सरोजनी नगर मार्केट के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन पर, और आप नियर सकते हो गेट नंबर 1 से। वैसे आज संडे है, काफ़ी वीकेंड है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो आ सकते हो, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि मंडे को ये बंद रहता है। मेरे पीछे मेट्रो है, आप भीड़ देख रहे होगे। हम थोड़ा सा इसको करेंगे एक्सप्लोर कि यहाँ पे सामान कितने कितने का मिलता है। तो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो ये है दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट। पीछे था मेट्रो, उस सामने है मार्केट। अब हम चलेंगे इसके अंदर। मैंने सुना है कि जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा चीप है। अब हम देखेंगे कैसे। ये देखो सामने शर्ट लिखी हुई है, ये आपको पड़ जाएगी मात्र 200 रुपये की एक टी शर्ट। ये आपके लोअर्स हैं, ये भी 200 रुपये के हैं। मतलब क्वालिटी इसकी सही लग रही है मेरे को। मतलब 200 रुपये हैं, आप ले सकते हो। 200 रुपये में कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर मैं भी अपने लूँगा एरिए से तो ये मुझे कम से कम 350 का पड़ेगा। ये शर्ट्स 200 रुपये की हैं, क्वालिटी इसकी ठीक ही लग रही है। मतलब दो चार बार पहनने के लायक तो हैं। ये 200 रुपये के लोअर्स। ये सारे बैग्स हैं, आप चाहो तो बैग्स भी ले सकते हो। चाहे आपका ट्रेवल बैग्स हो, आपका स्कूल का बैग्स हो, या फिर आपका लगेज हो, वो भी आप यहाँ पे आराम से ले सकते हो। इसके हम अभी पूछेंगे प्राइस। और आपको यहाँ पे ऐसे भी मिल जाएंगे स्टॉल, आप इसके प्राइस देख सकते हो कि क्या क्या इसके प्राइस है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे बैठने का इंतज़ाम नहीं होगा, तो उसका जुगाड़ आपको खुद ही करना पड़ेगा। और ये है चाउमीन, जो कि है 40 रुपये की। और ये हैं छोले भटूरे, ये भी 40 रुपये के ही हैं। मतलब खाने के जिसका टेस्ट था ना, वो काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा यहाँ पे आपको उस टाइप की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मोस्टली जो ये हैं सब चीज़ें हैं महिलाओं के लिए हैं, मर्दों के लिए थोड़ी कम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। बाकी सब के अलग अलग प्राइस थे। यहाँ पे आप भीड़ देखो, बड़ी कर्री वाली भीड़ है, बहुत तगड़ी भीड़ है। मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा यहाँ पर आओगे तो। ये कुछ शर्ट्स हैं, वैसे मोस्टली यहाँ पे जो कपड़े हैं वो गर्ल्स के लिए हैं, लेकिन बॉयज़ के लिए भी आपको शर्ट्स लोअर चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आप देखो पूरी मार्केट में, ये जो आप देख रहे हो सामने, ये स्पेशली बॉयज़ के लिए हैं, जो कि मात्र 200 रुपये की हैं। ये आप सामने देखो, ये 100 रुपये की आपको यहाँ पर टी शर्ट आराम से मिल जाएगी। वैसे पूरे मार्केट में इस टाइप की जो होते हैं स्टॉल काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब कि आपको बहुत चीप में टी शर्ट आराम से मिल जाएगी। जो आप सामने देख रहे हो शर्ट्स, ये हैं 250 रुपये की। मतलब कि टी शर्ट तो चलो ठीक है, लेकिन जो कॉलर वाली है ना टी शर्ट्स फुल स्लीव, ये आपको थोड़ा परेशान करेगी गर्मियों के अंदर। इसके अलावा देखो 100 रुपये की है मात्र, ये महिलाओं का कुछ पहनने का समथिंग होगा, हमारा इससे कोई वास्ता है नहीं। जो देखो सामने 250 रुपये की है, मतलब ये है कि 250 रुपये की शर्ट है सारी जितनी भी आपको दिख रही है, और आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑप्शन पहनने के लिए। मतलब कि आप 250 रुपये के अंदर यहाँ पे कोई सी भी शर्ट आराम से पहन सकती हो, जो कि काफ़ी अच्छी वाली बात है। बाकी जो आप सामने देख रहे हो ये फुल स्लीव्स की शर्ट्स हैं, ये आपको पड़ेगी 350 रुपये की। मतलब 350 रुपये की आप इस टाइप की शर्ट्स भी आराम से ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक पार्क भी है ये वाला, अगर आप इधर आते हो तो यहाँ पे भी जा सकते हो। बाकी जो आप सामने देख रहे हो ये सब जॉगर्स हैं, ये पड़ेगी आपको 300 रुपये की। मतलब कि अगर आप देखो क्वालिटी, ये मुझे लग रहा है कि पुरानी है, मतलब नई कहीं से कहीं लग दे रही। ये 300 रुपये की आपको आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा जो आप सामने देख रहे हो ये लेडीज़ टॉप है, 100 रुपये के हैं। मतलब ठीक है ऑप्शन। मतलब आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर सामान है ना, वो आपको पुराना भी मिल सकता है, तो इसलिए आप जब भी सामान लो ध्यान से लेना। जो आप सामने देख रहे हो लेडीज़ चप्पल है, मतलब ये कुछ सेल नहीं है, इसकी जो प्राइस है वो चेंज हो सकते हैं। बाकी देखो सारे बैग्स की जो क्वालिटी होती है ना, वो ठीक ही होती है। मतलब ऐसे नहीं है कि बैग्स बुरे हैं, आपको 350 का बैग आराम से मिल जाएगा, जो भी स्कूल टाइप के जो होते हैं। बाकी ये है कि बार्गेनिंग जो है यहाँ की है, मतलब कि आप इधर आते हो तो बार्गेनिंग दबा के करना, बंदे जो होते हैं वो राज़ी हो जाते हैं। जो शर्ट्स हैं वाली, ये 250 रुपये की हैं, 250 रुपये की पर शर्ट है। मतलब ये है कि आप इसको दो चार दिन आराम से पहन सकते हो बिना किसी दिक्कत के, क्वालिटी इसकी नॉर्मल है। बाकी आप देखो कितनी ख़तरनाक वाली भीड़ हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप अपने पैसों का, अपने मोबाइल का, अपने पर्स का ध्यान ज़रूर रखें। जो आज का दिन है वो संडे का है, तभी यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है वीकेंड है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके करते हैं शॉपिंग। तो आप भी यहाँ पर कम से कम एक बार तो ज़रूर आना। और आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ से कुछ सामान लेके जाते हो तो ये बंदे उसको नहीं करेंगे रिटर्न, इसलिए जब भी आप सामान लो तो बहुत ध्यान से लेके जाना।
बाकी ये है एक खिलौने की शॉप से, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे काम हैं जो कि हैंडमेड भी हैं, जैसे कि ये साइकिल है, इसकी जो प्राइस है वो 450 रुपये है, मतलब थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो इस वाली जो शॉप से सोविनियर्स शॉप्स यहाँ पे आ सकते हो। और आपको यहाँ पे ये भी मिल जाएगी सिविल टाइप की जो पैंट्स होती हैं, इसकी जो प्राइस है वो 250 रुपये है, मतलब 250 रुपये के अंदर आपको सिलाई कपड़े मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे बड़ी बड़ी शॉप्स भी हैं इस टाइप की, तो अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप इन शॉप्स के अंदर भी जा सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली होंगे लेकिन अच्छे होंगे कपड़े। ये देखो आपको 100 रुपये का टेडी बियर मात्र मिलेगा सरोजनी नगर मार्केट में, मतलब 100 रुपये का आप ले लो आराम से, किसी को गिफ्ट करना है गिफ्ट भी कर लो, अगर लेना है अपने लिए तो वो भी ले सकते हो। ये देखो बाबा, मतलब सामने जो देख रहे हो आप, पुलिस वाले थोड़े से घूम रहते हैं यहाँ पे, राउंड लगाते रहते हैं वो, तो उस चक्कर में कभी कभार यहाँ पे ऐसा हल्ला गुल्ला हो जाता है। इसकी वजह ये भी है क्योंकि जो मतलब रोड पे लगा नहीं सकते, इसे इलीगल होता है रोड पे अपना कुछ सामान रख के बेचना, जो आप सामने देख रहे हो जो लोग जो अपना सामान अंदर कर रहे हैं, तो यही इसका रीज़न है। ये सरकार की जो जगह होती है मतलब रोड होते हैं, तो जो लोग होते हैं ना वहाँ पे अपना स्टॉल लगा लेते हैं। अब इनकी मजबूरी है बेचारों की, इनके पास दो दुकान नहीं होती, शॉप्स नहीं होती, जिनकी दुकानें हैं वो आराम से दुकान में होते हैं, लेकिन जो गरीब इंसान है वो इस तरह पिसता है। बाकी आप ये देखो, ये आपकी दिख रही है चप्पलें, ये पड़ेगी आपको 250 रुपये की, तो जो लोअर है ये पड़ेगा आपको 150 रुपये का, और जो आप देख रहे हो दुकान पीछे, मतलब देखो 20 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, मतलब यहाँ पे आपको इतना का सामान मिल जाएगा। ये आप देख रहे हो शर्ट, ये पड़ेगी आपको 250 रुपये की, मैंने इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वैसे देखा जाए तो। जो आप सामने देख रहे हो ये 450 रुपये की, मतलब देखो ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हो और आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा बजट है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 450 वाली शर्ट लो, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी में काफ़ी अच्छी थी, अगर हम करें कंपैरिजन 250 वाली शर्ट से, क्योंकि अभी आपने पीछे देखी थी इसकी जो क्वालिटी थी ना वो थोड़ी सी कम थी, मतलब कि 2-4 वॉश में वो ख़राब हो सकती थी, लेकिन जो सामने देख रहे हो पजामे ये सब मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं। बाकी आप देखो 400 रुपये के अंदर आप ये जूता आराम से ले लोगे, मतलब ठीक है इसकी क्वालिटी नॉर्मल ही है, ये है कि हाँ अपना कॉलेज जा सकते हो पहन के, कहीं जा रहे हो दोस्तों के साथ तब भी पहन सकते हो, बुरा नहीं है 400 में, क्वालिटी इसकी अच्छी है। बाकी ये देखो बाप, ये है यहाँ की पूरे ईडी की सब में फेमस आइसक्रीम की दुकान। बाकी जो दुकान है ये वाली सॉफ्टी की काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतरीन है, मतलब 300 रुपये के अंदर आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिलने वाली है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो कि यहाँ पे आओ तो यहाँ पर भी एक बार ज़रूर खाओ आइसक्रीम। ये वो दुकान है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। बाकी आप सामने देखो जो दिख रही है कुर्तियाँ, ये आपको पड़ेगी मात्र 350 रुपये की, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। एक चीज़ में ऐड करता और चलूँ वो ये है कि जो मार्केट है ना मोस्टली लड़कियों की है, बॉयज़ का जो सामान है वो है 250 रुपये की शर्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आना कुछ दिखला भी दिया था, आ सकते हो, लेकिन जो गर्ल्स के लिए स्पेशली वाली मार्केट डेडिकेटेड है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि देखो यहाँ पे आना आप आ सकते हो, चीज़ें बहुत महंगी नहीं है, सस्ती है, मतलब आना यहाँ पे सही रहेगा। और बाकी मैंने एक चीज़ भी कंफर्म करी थी, वो ये है कि जो मंडे को है ना ये बंद नहीं रहता, मतलब दुकानें जो खुली रहती हैं, बहुत सब लोग नहीं लगाते, लेकिन मंडे भी अगर आप यहाँ पे आते हो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना अपने परिवार को ध्यान रखें। जय हिंद।